मैं हूं आज नंदन कानन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये उड़ीसा में, वहां पर आया हुआ हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां पर क्या क्या है। यहां से हमने टिकट लिया और 50 रुपये पर हेड टिकट है और अब हम एंट्री करेंगे अंदर। अच्छा, यहाँ पर कई लोग आपको गाड़ी के लिए बोल सकते हैं, अगर आप गाड़ी में जाना चाहते हैं अंदर और शेर भालू लोगों को देखना चाहते हैं तो गाड़ी का कुछ एक्स्ट्रा चार्ज है, 80 रुपये एक्स्ट्रा है और पर हेड। और साथ में एक गाइड के लिए बोल रहे थे जो 250 रुपये लेगा ऐसा कह रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल हम नॉर्मल आए हैं, देखते हैं क्या प्लानिंग किया जा सके, पैदल कितना घूम सके, यही है। आगे मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली मैं बता दूँ, मैं जैसे एज एन एक्टर हमेशा मैं थोड़ा जो नेचर है नेचर के साथ रहना चाहता हूँ और इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा घूमता हूँ। और कल जो ट्रैवल किया मैंने बाय रोड, वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर पॉसिबल होगा तो उसका वीडियो भी मैं ऐड करूँगा। या हुए हैं और ये काफ़ी बड़ा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसका और भी डिटेल मैं बताऊंगा। लाइन से देखो, सब फ्रेंड्स लोग बैठे हैं, वंडरफुल, बड़े आराम से बैठे हैं। ये मैप है नंदन कानन का, कहाँ पर क्या है, ये बहुत सारा बहुत बड़ा एरिया है। अभी एंट्री करने के बाद जो मैं देख रहा हूँ कि ये अभी सारे पिंजड़े बंद है, जो एक्चुअली मुझे ओपन देखना है। और अच्छा यही लगता है कि अगर कोई जानवर खुला रहे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सर्कमटेंसेस है, कई सारे जानवर ऐसे खुला नहीं रह सकते, लेकिन लेट्स सी। बहुत अच्छा एक झील दिख रहा है मुझे, बहुत सुंदर झील है। यहाँ पर कई क्रोकोडाइल्स हैं ऐसे कहते हैं लोग, जो भी यहाँ के लोग हैं। लेट्स सी, अगर देखते हैं कुछ ओपन में क्या दिखता है। बहुत सुंदर झील है, इसमें कई सारे मगरमच्छ हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा बना हुआ है जो स्टैचू मगरमच्छ का, मतलब यहाँ पर काफ़ी मगरमच्छ हैं। करीब नहीं जाता हूँ, बस पीछे ही रहता हूँ, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत अच्छा एरिया है। एक एक्टर को हमेशा चाहिए कि वो घूमता रहे, नेचर को एक्सप्लोर करता रहे। जितना ज़्यादा नेचर के साथ रहेंगे उतना ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगे, आप अच्छे लिख पाएंगे, आप अच्छे एक्ट कर पाएंगे। इसलिए मैं ये देखा हूँ और प्रैक्टिकली मैं मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं जब जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ ट्रैवल करने के लिए, उसके बाद थोड़ा अंदर से क्रिएटिविटी का चेंज होना समझ में आता है। एक्चुअली हम सब क्रिएटिव हैं बेसिकली, लेकिन क्या हमारे ऊपर एक ना कवर चढ़ गया है समाज में कई तरह के इंसिडेंट देख देख के। लेकिन जब भी आप नेचर के साथ जुड़ते हो तो ये ना आप एक लिंक बना लेते हो और वो लिंक जो है आपका क्रिएशन जो आपके अंदर ऑलरेडी है उसको निकालता है।
नंदन कानन का बड़ा अच्छा सा टूर लगा छोटा, हालांकि जो जैसा मैं सोच रहा था सफारी में जाऊंगा, लेकिन अभी सफारी बंद थी तो इट्स ऑलमोस्ट ज़ू, लेकिन क्या ठीक है, थोड़ा घूमने में अच्छा लगा। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा घूमता रहता हूँ हर जगह। इसके पहले सिक्किम का टूर था, अभी थोड़ा उड़ीसा, इसके बाद और भी कई सारे टूर मैं लगाने वाला हूँ। जब जब मेरे मुझे काम रहता है तुरंत मैं चला जाता हूँ, जैसे कोई ऐड की शूटिंग हुई या कोई काम रहा मुंबई में तो मैं तुरंत निकल जाता हूँ जब भी काम आता है मुझे, और इसी तरह मैं घूमता रहता हूँ। और आप सबसे भी कहता हूँ कि घूमिए, एक्सप्लोर कीजिए, नेचर के साथ रहिए, देखिए क्रिएशन और भी ज़्यादा बढ़ता है जैसा मैंने पहले भी कहा है। और चलो एक टीम बनाते, मैं कोशिश कर रहा था चलो एक एक्टर्स लोगों की टीम बनाते हैं जो एक्टिंग में है और क्रिएटिव फील्ड में है, हम सब मिलके अलग अलग जगह जाते हैं, सीखते भी हैं, मेरे जो एक्सपीरियंस है वो भी हम शेयर करेंगे आप सबके साथ, और साथ में आप अपना ब्लॉग्स वगैरह बना सकते हो, लेकिन ग्रुप में रहने से बड़ा अच्छा लगता है और कई सारा चीज़ें और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बेस्ट है कि सब मिलके एक जो भी हमारे टच में है ग्रुप बनाते हैं, और जिसको जिसको इंटरेस्ट है ऐसे घूमने में, ब्लॉग बनाने में, और साथ में एक्टिंग तो छोड़ेंगे नहीं, जो हमारा मेन प्रोफेशन है वो तो करते रहेंगे और हम सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, साथ में मिलके चलते हैं, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।